वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल नेहा मशीनरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस में लोगों ने डोमेस्टिक यानी घर में यूज़ करने वाला कार वॉशर के बारे में पूछा है, तो आज मैं आपको हम जो पिछले 5 साल से या मुंबई में क्लिफ मैक्स कंपनी का डोमेस्टिक कार वॉशर बेचते हैं उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। बहुत सारे लोगों को HTP पंप और कार वॉशर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं कि HTP पंप जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेइंग हो गया, और कमर्शियल कार वॉशिंग के लिए वॉशिंग सेंटर्स पे यूज़ किया जाता है। और डोमेस्टिक कार वॉशर जैसे ये है, ये पोर्टेबल घर में जिसको यूज़ करना है, 2-4 गाड़ियाँ वॉश करना है, लॉन वॉश करना है, उतना ही उसके लिए सफिशेंट है। ये एक्चुअली में कॉमन मॉडल है, बहुत सारी कंपनियां ये टाइप का कार वॉशर बनाती है। हमारे पास इसके सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आपको कार वॉशर परचेस करने के बाद फ्यूचर में कोई स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमें कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। ये कार वॉशर के साथ कंप्लीट असेंबली आती है, जिसमें इनलेट पाइप, इनलेट फिल्टर, आउटलेट पाइप 6 मीटर और गन आती है। इसका प्राइस सिर्फ 5,500 है और ये कैश ऑन डिलीवरी में भी अवेलेबल है। कुरियर का चार्ज अलग से लगता है, जो कस्टमर के एड्रेस पे डिपेंड करता है कि वो मुंबई से कितना दूर है। ऑन एन एवरेज बताओ तो 300 से 500 के बीच में ऑल ओवर इंडिया कुरियर का चार्ज लग जाता है। ये इनलेट फिल्टर के अंदर एक जाली होती है जिसको टाइम टू टाइम साफ करना ज़रूरी है। चलो, अभी अनबॉक्सिंग हो गई है और प्रेशर टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे इसका प्रेशर कितना आता है। वापस से चालू कर। गन के आगे का नोजल एडजस्टेबल है, तो प्रेशर आप पॉइंट कर सकते हो, थोड़ा स्प्रेड कर सकते हो, जहाँ पर जैसा यूज़ है, एप्लीकेशन है, टायर है तो उसको पॉइंट मार दिए, पेंट पे, कलर पे मारना है, बॉडी पे मारना है, कार के, बाइक के, तो उसको थोड़ा फैला दिए, जैसा यूज़ है वैसा कर सकते हैं। दबा के रख, नहीं 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 ऐसे ही जैसा है ना वैसे दबा के रख। इनलेट और आउटलेट कनेक्शन प्रॉपर करने हैं, ध्यान रहे कहीं से लीकेज ना हो, नहीं तो मशीन एयर ले लेता है। चालू कर, थोड़ा कम कर,
कंटिन्यूसली आप इसको आधा पौना घंटा चला सकते हो। पूरे दिन में 8-10 गाड़ियाँ वॉश करनी है तो ये आपके काम की चीज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हम और भी ऐसे ही एचटीपी पंप और कार वॉशर के रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे और आप सब तक हमारी नॉलेज पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।